भिंड में एक दिवसीय प्रवास पर आए भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक और संभागीय प्रभारी रामवीर सिंह ने बताया कि आए दिन सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ कुछ प्रॉपर्टी डीलर भिंड मुरैना दतिया के अलावा ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में प्लॉट और जमीन दिलाने के बहाने उन्हें अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। सैनिकों की समस्याओं को लेकर बहुत जल्द चंबल संभाग स्तरीय एक बैठक बुलाएंगे, जिससे सभी सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनकर पहले ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यालय स्तर पर पुलिस को ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद प्रदेश संयोजक के समक्ष अपनी बात रखेंगे और सैनिक भाइयों के खातिर वो ऐसे मामलों को लेकर रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भी अवगत कराएंगे। वहीं सैनिक प्रकोष्ठ सह संयोजक रामवीर सिंह ने कहा कि देश की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा सैनिक चंबल संभाग में ही तैनात हैं और देश की रक्षा करते करते भिंड से सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं। फिर भी यदि कोई सैनिकों और उनके परिवारों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा में जो जवान तैनात है बहुत कठिन परिश्रम करके वो पैसा को अपना बचाता है। उस पैसे को अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर हड़पने का प्रयास करता है और कुछ संज्ञान में आए हैं ऐसे केस, तो मैंने उस मैटर पे उनसे बात करके उनको बता दिया है कि जो सुरक्षा कर्मियों को जो पैसा आपने लिया है विधिवत उनका आप वापिस कर दें, अन्यथा मैं इस मैटर को ब्रिगेडियर साहब को जो हमारे प्रदेश संयोजक हैं ब्रिगेडियर एपी सिंह जी उनको मैं अवगत कराऊंगा।